फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बकरम वाला गला हम कैसे बनाते हैं। काफी कमेंट्स आ रही थी कि मुझे बकरम के साथ गला बनाना बताइए। मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो देखिए हमने ये सूट की कटिंग किया हुआ है, ये ऑलरेडी सिर्फ हमने नेक की कटिंग नहीं किया है क्योंकि हमें नेक डिजाइन बनाए या सिंपल बनाए जो भी बनाए वो आप इसी टाइप से बना सकते हैं। तो मैं आपको बिगनर को सिंपल सा गोल गला बनाना बताती हूँ बकरम के साथ। तो यहाँ हमने बकरम लिया है, तो जिस साइज़ की आपकी नेक बनानी हो उस साइज़ के आप ले सकते हैं। तो यहाँ हमने 10.5 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा हमने पेस्टिंग लिया है, पेपर पेस्टिंग बकरम भी बोल सकते हैं। इसका मोटा भी आता है पतला भी आता है, वो आप पे डिपेंड है आप कैसे बनाना चाहते हो। अब इस पर हम नेक की कटिंग करेंगे। तो पहले हम इस तरीके से इसको लेंगे, ऐसे डबल करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच, ऐसे 2.5 ये देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे जितना भी इंच का आपको बनाना हो बना सकते हैं। तो यहाँ से लेंगे 8 इंच और उसके बाद यहाँ से लेंगे हम फिर 2.5 इंच, ऐसे फिर इस तरीके से यहाँ से लेना है। ऐसे उसके बाद इसमें हमें गोल सा शेप देना है, ऐसे ये देखिए। अब इसको 1-1 इंच हमें साइड से भी फैब्रिक रहना ज़रूरी होता है इधर से, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं हेमिंग के लिए वो। तो 1 इंच यहाँ इसी तरीके से लेना है, ये देखिए। अब इसको साइड साइड से भी कट करना होता है, तो अब कटिंग करते हैं। तो यहाँ ऐसे हमने लेना है, बड़ा छोटा आप कुछ अपने साइज से कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको बड़ा करना है तो। वो भी मेथड मैं इसी में बता देती हूँ ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको बड़ा करना है तो नीचे से आप बढ़ा सकते हैं, तो आपको जितना भी साइज़ का। तो चलिए 1/2 इंच और बढ़ा देते हैं, अगर जिनका बड़ा पहनने का हो तो वो इसी टाइप से बढ़ा लेंगे। अब हमें करना क्या है, साइड से 1-1 इंच वाले पे थोड़ा सा इसको मार्किंग इधर से करके कटिंग करें। साइड वाले को कटिंग कर लेते हैं यहाँ से, ऐसे ये देखिए। अब ऊपर से बराबर कर लेंगे, तो ये कटिंग हमने कर लिया। अब इसी साइज से हमने कपड़ा बकरम के साइज का ही लिया हुआ था, अब इसको हमें इसके ऊपर ऐसे डालना है, ये देखिए। इसके ऊपर हमने इसको डाल दिया, अब इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हमने प्रेस की हेल्प से इसको चिपका भी लिया है। अब 1/2 इंच इधर से बच रहा है, तो इधर भी हमें 1/2 इंच ही लेना है, ऐसे ये देखिए। इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे सब जगह, छोटे छोटे हमने कट्स पूरे में लगा दिए हैं। अब उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, पूरे गोलाई में इसको फोल्ड करते हैं पहले अच्छे तरीके से। इस तरीके से हमने गला लगा, इस पर मार्किंग लगा लिया। अब इसको हमें बीच सेंटर करना है, ऐसे मिलाते हुए ऐसे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक कट लगाना है, कट लगाने के बाद यहाँ यहाँ पे ऐसे, ये देखिए ये वाला मार्किंग हमने लगा लिया। अब कुर्ती के पे रखेंगे, इसको भी इस तरीके से पहले हमें डबल में अच्छे तरीके से रख देना है। तो यहाँ हमने रख दिया, उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे हल्का हल्का मार्क कर लेना है। तो यहाँ हमने मार्क कर लिया है इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमें नेक को ऐसे डालना है, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर डाल लिया। अब एक एक पहले रफ स्टिच बीचों बीच करेंगे, रफ स्टिच चेक कर लिया है, बाद इसके बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। तो वो सिलाई देखिए यहाँ से पकड़ना है,
और हमें बिल्कुल किनारे किनारे लगाते जाना है। इस तरीके से फिर इधर यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया। अब इसको हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा को कट करेंगे। ये तो एक्स्ट्रा को हमने कट पूरा को कर लिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे बीचों बीच ऐसे। पूरा कट्स हमें गोलाई में लगा देनी है। अब इसको हमने पूरे कटिंग करने के बाद इसको सीधी साइड पलटना है ऐसे। इसी तरह हम नेक बनाते हैं। पहले हम अच्छी तरीके से इसको पलट लेंगे। ये देखिए तो ये हमने पलट लिया। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे बैठाते हुए एक एक सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से बैठकर फिनिशिंग आएगी। तो वो बैठा लेते हैं। काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रही थी कि मुझे बकरम वाले गला बनाना बताइए, तो मैं इसी पे आज वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरीके से पहले हमें किनारे किनारे सिलाई लगाना है ऐसे, फिर इधर से कंप्लीट नेक हो गई बैक साइड की। इस तरीके से बैक की भी बना सकते हैं, फ्रंट की भी बना सकते हैं, आपको जहाँ जैसे बनाना हो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये नेक कटिंग स्टिचिंग पसंद आई है तो कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।